let it bang. Hey guys, welcome back to the channel. So आज हम लोग फिर जा रहे हैं एक रिसोर्ट में जो कि वसई विरार में पड़ता है, और मैं आप लोग के लिए हमेशा अच्छे ही रिसोर्ट सजेस्ट करता हूँ। बहुत लोगों का कमेंट सेक्शन में आता है कि ये रिसोर्ट कैसा है, ये कैसा है। सो मैं जहाँ भी जाता हूँ अच्छे रिसोर्ट में जाता हूँ, मुझे पहले से पता कर लेता हूँ कि वो रिसोर्ट कैसा है। तो चलते हैं अभी रिसोर्ट में, और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप लोग भी देखो और फुल इन्जॉय करो। हे गाइस, हम लोग रिसोर्ट पे पहुँच चुके हैं। तो रिसोर्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, 7C रिसोर्ट है। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसलिए हम लोग इस रिसोर्ट को चूज़ किए। सो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं कि ये रिसोर्ट कैसा है। सो गाइस, आप पार्किंग एरिया देख सकते हो, यहाँ से लेकर आपको पूरा पार्किंग बहुत ही बड़ा स्पेस मिल जाता है पार्क करने के लिए। और वहाँ पे देखो सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, स्लाइड्स बहुत ही बड़े बड़े हैं, एंड आपको ऑफिस सामने दिखने मिलेगा। आपको जो चार्जेस है मैं भी आपको आगे बता दूंगा इसके चार्जेस क्या है। सामने से आपको टिकट्स लेने हैं और आपको सीधा अंदर एंट्री करना है। तो अभी अंदर चलते हैं। सो व्हर्लपूल जो है वो आपको आधे घंटे के लिए चालू रहता है, और दो बार चालू होता है, एक 12:30 बजे और एक 3 बजे के आसपास। 2 बजे आपको व्हर्लपूल देखने मिल जाएगा। कितना गहरा है। सो ये 7C रिसोर्ट बहुत ही देखने में तो अच्छा लग रहा है, और क्राउड भी है आज बहुत। वहाँ पे देखिए क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और कोई भी जिस चीज़ अगर आपकी गिर जाती है तो वहाँ पे वो उठा लेंगे और आपको वापस दे देंगे। यहाँ पे 7C के स्टाफ भी आपको बहुत ही देखने मिल जाएंगे। एक वहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और भी है सब बगल में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनसे मिल सकते हैं। आपको यहाँ लॉकर भी देखने मिल जाएगा, आपको यहाँ 30+ लॉकर मिल जाएंगे, और भी हैं इनके पास लॉकर। और लॉकर के ठीक बगल में आपको जेंट्स और लेडीज टॉयलेट मिल जाएगा। मैं आपको टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। सो आपको चेंजिंग रूम आप देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेंजिंग रूम है, और सेम गर्ल्स में भी बराबर है। सो गाइस, मैं भी चेंज कर चुका हूँ, मैंने शॉर्ट पहन लिए है, और अब चलते हैं बाहर। बाहर एक अलग सी वाइब आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रिसोर्ट में। सो जितने भी इंफॉर्मेशन रहेगा मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, चलते हैं करते हैं एंजॉय। गाइस, अगर आप लोग ग्रुप में हैं और आप लोग को रूम्स भी चाहिए, या कपल्स हैं रूम्स चाहिए, तो आपको रूम्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। रूम्स के चार्जेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जस्ट हम लोग अभी एंट्री किए, और सामने रेन डांस चालू है, और यहाँ पे 1, 2, 3 पूल्स है। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी राइड्स भी है, 1, 2 बड़ी बड़ी राइड्स है, और सामने भी है, सामने भी आपको गार्डन जो होता है बच्चे लोग के लिए, और वहाँ पे भी बहुत सारे आपको राइड्स देखने मिल जाएगी। और ये वहां से स्लाइड आई, तो म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाया जा रहा है, और एक ट्यूब लेके घूम रहा है। तो सब फुल पब्लिक अपने एंजॉय में है। हम लोग भी ट्यूब लेके जा रहे हैं फुल टॉप पे। सेकेंड ट्यूब लेके जा रहा है, और इस बार फुल रॉक हो गया। तो फिर
स्लाइड तो हो गई है, अब इसके बाद अपने को बच्चे लोग के स्लाइड में भी जाके मजे करने हैं और पब्लिक फुल एंजॉय कर रही है यहाँ पे। लंच टाइम हो गया है और अभी सारी पब्लिक जा रही है लंच करने। चलते हैं देखते हैं लंच में क्या क्या है। सारी पब्लिक अभी लंच करने के लिए आ रही है और यहाँ से हैंड वॉश करके सब फटाफट लंच करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से प्लेट्स उठा कर फिर वहाँ पे काउंटर लगा है। आपको क्या क्या फूड में है मैं अभी सारे दिखाता हूँ। वहाँ से लेकर आपको आराम से सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बैठ के खाना है। यहाँ सैलड देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे पाव पूड़ी और यहाँ पे राइस, यहाँ पे दाल और ये वेज भाजी और ये स्वीट। और आपको नॉन वेज वो साइड में देखने मिल जाएगा। नॉन वेज वेज दोनों अलग है, एक साइड में नहीं है। तो ब्रेकफास्ट टाइमिंग सुबह 9:30 से 11 है और लंच टाइमिंग 1 बजे से 2:30 बजे तक है। सो अभी लंच तो हो गया है ख़त्म और थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग फुल धमाल मचाएंगे और अभी डांस वांस करेंगे और बहुत कुछ करना है। सो चलो थोड़ा रेस्ट कर ले। सो गाइज अभी हम लोग बीच पे जा रहे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। गाइज देखो कैसा बीच पे फुल एंजॉय हो रहा है, सामने बीच और यहाँ पे मैं आराम से बैठा हूँ और इन लोग भी मस्त मजे कर रहे हैं। बीच देखो फुल बीच पे एक नंबर व्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको 700 में पिकअप ड्रॉप भी मिल जाता है विरार से। अगर आप विरार स्टेशन पे आ रहे हो तो इनका पिकअप ड्रॉप भी है और ये सुबह मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 o'clock को चलता है। डीजे फुल डीजे ऑल टाइम बजता है इनका। और व्यूपुल का टाइमिंग 12:30 आपको मैंने बताया था, 12:30 टू 1 और 1:30 समथिंग पे। सो आपको व्यूपुल का भी मज़े मिलेंगे और बहुत सारी मज़े स्लाइड्स है, फुल इन्जॉयमेंट है। तो आप यहाँ पे आओ विजिट करो और इनका पार्किंग वर्किंग देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। सो सपोर्ट करो। हे गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, बहुत ही मज़ा आया इस रिसोर्ट में। और कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि जैसे कि आपको रूम्स के लिए रूम चार्जेबल है वो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा, उसका जो भी अमाउंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। रिसोर्ट का प्राइस कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है और क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर, आपको सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ के ओनर को, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के मैनेजर को कि मुझे इस डेट पे आना है। तो रिसोर्ट तो बहुत ही अच्छा है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्ट है वसई विरार का। सो मेरा तो फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। इस रिसोर्ट का नाम है सेवन सी रिसोर्ट नाम है इसका। और आप देख सकते हो बहुत ही बड़े स्पेस में बनाया गया है, इसको बहुत ही बड़ा जगह है इधर।
तो जो भी है दिल से बहुत ही क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं मेरे पास, और बहुत मजा आया। तो चलते हैं और मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ। भाई को सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हो तो, और टाइम तब भी।